नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। नजर डालते हैं जगत की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस की मांग के विरोध में केंद्र सरकार को मिला जीएसटी विधेयक पर राज्यों का साथ। मानसून सत्र में विधेयक पर सहमति बनाने में एनडीए सरकार को होगी सहूलियत। बैंकों की स्वायत्तता पर बोले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, सरकार को एक स्थिर सतत विकास के लिए केंद्रीय बैंकों को देनी होगी आजादी। होती रहती है बिना सबूतों के बैंकों की आलोचना। भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया फैसला। एनएमसी हर जिम्मेदारी को उठाने में है सक्षम। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए फ्लिपकार्ट की मिंत्रा ने खरीदा जोबांग। स्नैपडील, अमेजन सहित 5 कंपनियों को पछाड़ा। फ्लिपकार्ट ने 7 करोड़ डॉलर में पूरी की है डील। तेजी के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 134 अंकों की बढ़त के साथ 28,112 पर। वहीं निफ्टी 46 अंकों की उछाल के साथ 8,599 पर कर रहा है कारोबार। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उल्लंघन पर आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक पर लगाया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंकों पर भी लगा है 5 करोड़ तक का जुर्माना। अर्थ जगत में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।